अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर इसरा और उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। बात करते हैं PSL के हवाले से, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग मैच की, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने 24 रन से ये मैच जीत लिया है और कराची की टीम अपना पांचवा मैच भी हार गई है। सबसे पहले आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 197/5 किए। पेशावर ज़ल्मी की पहली तीन विकटें 2 रन पर गिर गई थी, उसके बाद अच्छा कमबैक किया पेशावर ज़ल्मी की टीम ने और आसिफुल्ला खान और उसके अलावा रवन पावल और कॉडमोर ने इनिंग को आके संभाला और स्कोर को 197/5 किया। आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर किया, जब मोहम्मद हारिस कोई रन ना बना सके 1 बॉल, बाबर आजम भी कोई रन ना बना सके समय में 1 रन, टॉम कॉडमोर ने 56 किए 45 बॉल पर, वो एंकरिंग इनिंग खेली उन्होंने। हसीबुल्ला खान को आज इमर्जिंग प्लेयर में मौका दिया गया, उन्होंने शानदार इनिंग खेली, उन्होंने 50 की 29 बॉल पे और शानदार इनिंग रखी उनकी और अच्छा डेब्यू रहा PSL में। वो अच्छे बैट्समैन हैं, इससे पहले T20 कप में देखा गया और सभी डोमेस्टिक में देखा जाए तो हसीबुल्ला का बहुत अच्छी फॉर्म रही है, उन्हें पाकिस्तान टीम में मौका देना चाहिए था लेकिन इससे पहले नहीं दीजिए। आज देखा गया उन्होंने शानदार इनिंग खेल के एक अपने दर सबको मतवज्जा किया है। रावण बॉल 64 की 34 बॉल पे शानदार इनिंग रही उनकी और उन्होंने ही पेशावर ज़ल्मी को संभाला और हसीबुल्ला खान ने संभाला है। अमर जवाल ने 13 किए 5 बॉल पे। कराची किंग की बॉलिंग की बात की जाए तो अमर आज आउटस्टैंडिंग रहे, उन्होंने 4 ओवर में 26 रन दिए और 4 विकेट ली, पहले 3 विकेट अमर ने लिए और कराची को मैच में ले आए थे लेकिन उसके बाद कराची की बॉलिंग थी, उसके अलावा कोई अच्छा बॉलर ही नहीं कराची के पास जो रन रोकता, इतना बड़ा टोटल करवा दिया पहले 3 विकेटें गिरने के बावजूद ही। अमर यमीन को 4 ओवर में 138 रन दिए और 9 की इकॉनमी रखी। आकिफ जावेद 4 ओवर 58 रन, इमाद वसीम 4 ओवर 46 रन, महंगे साबित हुए वो खुद भी बॉलिंग में, पावर प्ले में अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उन्हें करनी चाहिए थी लेकिन लास्ट पे आके उन्हें मार पड़ रही है वो। तबरेज शमसी 4 ओवर 25 रन, आमर और तबरेज शमसी की अच्छी परफॉर्मेंस रही बॉलिंग में, उसके अलावा कराची की बॉलिंग थर्ड क्लास बॉलिंग रही और ये मैच जितने भी हारी है कराची अपनी बॉलिंग और बैटिंग की वजह से हारी है, ये क्लोज आके मैच को फिनिश नहीं करेगी, सब इनकी अपनी गलतियों की वजह से, इन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा इस वजह से। मैथ्यू वेड ने 56 किए 41 बॉल पे, आज अच्छे निक में लग रहे थे लेकिन रिचर्डसन 50 की 8 बॉल पे, तैयब तार ने 6 किए, इरफान अल्लाह ने अजनी 4 किए, शोएब मलिक ने 1 रन किया। इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों होने के बावजूद भी वो आज के मैच नहीं जितवा सके कराची किंग को। इमाद वसीम अच्छी फॉर्म में हैं लेकिन उन्हें ऊपर बैटिंग करनी चाहिए थी, इरफान अल्लाह नियाज़ी की जगह खुद जाना चाहिए था उन्हें लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, लास्ट पे आकर के स्कोर करते हैं लेकिन ऐसे स्कोर का क्या फ़ायदा जिसमें टीम ही ना जीते और टीम लगातार हार रही है। और इमाद वसीम तो अच्छी फॉर्म में है, उन्होंने 57 किए और 30 बॉल पर किए, बिन कटिन ने 15 किए 13 बॉल पर, अमर यामी ने 8 किए 5 बॉल पे, तब्रेज शमसी कोई रन ना बना सके और आकिफ जावेद ने 7 किए 7 बॉल पे। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग देखी जाए तो बॉलिंग लाइन अप वीक है लेकिन आज चेंजेस की और अरशद इकबाल 38 रन कोई विकेट ना ले सके और मुजीब जातरान 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, अच्छे बॉलर हैं। वहाब रियाज 4 ओवर 36 रन महंगे रहे। उस्मान 4 ओवर 28 रन, अमर जमाल 4 ओवर 43 रन 3 विकेट और 3 विकेट हमजे ने ली। इस तरह ये पेशावर ज़ल्मी ने 24 रन से ये मैच जीत लिया कराची किंग से और पेशावर ज़ल्मी के अपने 6 मैचेस खेले हैं, 6 में से 3 जीते हैं और 3 ही लूज़ किए हैं। पेशावर की टीम की बॉलिंग बहुत ही वीक है, अभी भी उनके बॉलिंग को स्ट्रेंथ करना चाहिए, अगर उनके पास और कोई बॉलर है उसे भी खिला के चेक कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही वीक लाइन अप दोनों टीमों के, पेशावर और कराची की देखी जाए तो इस PSL में वीक बॉलिंग लाइन अप दोनों टीमों की रही। पहले हाथ विकटें लेके भी अगर 200 तक स्कोर को लेके जाते हैं बॉलिंग की नाकामी है, कराची की टीम के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही हैं। इस सीज़न में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और ऑलमोस्ट वो इस टूर्नामेंट से आउट ही हो गए हैं और अब
वो उससे आ रहे तो कराची की तो आका हाथ। अब कराची उस पॉइंट पे आ गई है कि वो उससे आ रहे तो हम अगले सारे मैच जीतें तो भी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन लेकिन कराची के लिए देखा जाए तो आसान कुछ भी नहीं रहा। अब उन्हें दूसरों पर डिपेंड करना होगा, लेकिन वो पहले अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें तो फिर दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट कराची की टीम इस टूर्नामेंट से एक दफ़ा फिर बाहर हो गई है। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज होने के बावजूद कराची किंग के ऑनर को चाहिए कि अपनी मैनेजमेंट को बदलना चाहिए, और ये तीसरा सीज़न है उन्होंने लगातार बुरा परफॉर्म कर रही है। पेशावर ज़ल्मी की टीम इससे पहले अच्छी होती थी, लेकिन इस दफ़ा उनकी टीम वीक लग रही है। देखा जाए तो बॉलिंग में खासकर के बाबर आजम पिछले 2-3 मैच से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उन्हें बैटिंग में रन करने होंगे अगर अपनी टीम को आगे लेके जाना है तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।